अनाज सड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए 23 जुलाई 2001 को जब कविता श्रीवास्तव द्वारा पीयूसीएल की रिट याचिका पर कॉलिन गोंसाल्विस ने बहस किया था, तब सरकार ने कहा था कि गोदामों में हमारे 4 करोड़ मीट्रिक टन अनाज है और आज 1 मई 2011 को सरकारी आंकड़ा है कि 4 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन अनाज गोदामों में है। और उसके बाद इस देश में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से गाजीपुर तक मुतहत बच्चे कुपोषण के शिकार होकर मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सोनभद्र के एक गांव औता में 14 बच्चे कुपोषण और भूख जनित बीमारियों से मौत के मुंह में चले गए और पूरा का पूरा हजारों अनाज टन पिछली बरसात में गोदामों के सामने खुले आसमान में सड़ गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 15 लाख टन अनाज पिछली बरसात में पंजाब और हरियाणा में माल गोदामों के सामने सड़ गया, चूहे खा गए। लेकिन इस मुल्क में जो भारत उदय और साइनिंग इंडिया का है और महाशक्ति बताई जा रही है, उसमें पूरा का पूरा पीपीएस सिस्टम जो है भ्रष्टाचार के की भेंट चढ़ा हुआ है। अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना, मिड डे मील, वृद्धावस्था पेंशन, जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व सुरक्षा योजना, जिन सारी चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट लगातार बार-बार कमेटी की निगरानी रखी हुई है, वह एक भ्रष्ट तंत्र के जरिए सफल नहीं हुआ है। और आज जो शनिवार का फैसला है वो बहुत सारे सत्य को उजागर कर रहा है और ये जरूरत है एक सक्रिय जन हस्तक्षेप की, जिससे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश हैं। और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बीपीएल की जो पूरी फिलॉसफी है सरकार की, उस पर भी जो तेंदुलकर कमेटी ने कहा, जो बाघवा कमेटी ने कहा, उस पर विचार होना चाहिए कि 20 रुपये और 15 रुपये रोज जिसकी आमदनी मानी गई है, उस आदमी को 24 कैलोरी और 21 कैलोरी खाना नहीं नसीब हो सकता, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा है सरकार ने। जी बिल्कुल, तो कैलोरी पे ध्यान ना देकर जो अनाज गरीबों को मिलना चाहिए वो अनाज भी उनके घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। शिल्पी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, दो और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी ये चर्चा जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा देखिए, पढ़ रहे हैं लेकिन लोग भूखे मर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से बार बार इस तरह के दिशा निर्देश क्यों जारी किए जाते हैं, और एक बात की भी कि इन आदेशों को सरकार की ओर से कभी गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता। आपको राज्य और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ में शिल्पी का, शिल्पी वहां पर मौजूद है। शिल्पी, पिछले साल हमने देखा था बरसात के दिनों में अनाज सड़ गए थे और कहा यही गया था कि व्यवस्थाएं सही नहीं है, कोशिश की जाएगी कि अब इन अनाजों का भंडारण सही तरीके से हो, लेकिन क्या अब ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि अब उदासीनता के जरिए ठेकेदारों का, कॉन्ट्रेक्टर्स का इतना बड़ा एक कार्टेल चल रहा है प्रदेशों में, राज्यों में, कि वो इस पूरे अनाज को काले बाजार की भेंट चढ़ा दे रहे हैं। और सरकार के नीतियों में भी कुछ खामियां हैं, जैसे 35 किलो अनाज वो 10 लोगों का परिवार हो वीकेंड में उसे भी मिलता है, एक व्यक्ति हो उसे भी मिलता है। समय की कमी है, इसलिए आपको रोकना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जन वितरण प्रणाली में कमी है। बहुत छोटा सा, बहुत संक्षिप्त सा आपसे जानना चाहेंगे, आप जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दखल दिया है तो इस चीज को इंप्लीमेंट करने में सुप्रीम कोर्ट को किस किस परेशानी से गुजरना पड़ेगा?